यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही खून का बहना शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि सियासी पार्टियों के घमासान में छोटे नेताओं की जान की आहुति दी जा रही है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले का है, जहां एक सपा नेता को सरेराह गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। शौकत की मौत के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है, तो वहीं हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि शौकत को किसने मारा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। बाराबंकी जिले में सुबेहा थाना क्षेत्र के भटगवा गांव में रहने वाले शौकत अली बाइक से अपने घर जा रहे थे। मोटरसाइकिल उनका दोस्त महेश चला रहा था। जानकारी के मुताबिक शौकत अली टेलरिंग का काम करते थे और दुकान बंद करके घर वापस लौट रहे थे। अभी बाइक पर सवार शौकत और महेश नहर कोठी के पास ही पहुंचे थे कि अचानक पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने शौकत को गोली मार दी। गोली लगते ही शौकत मौके पर गिर गए। महेश ने तुरंत ही मामले की जानकारी परिवार और पुलिस को देते हुए शौकत को CHC हैदरगढ़ में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए शौकत को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान ही शौकत की मौत हो गई। आज दिनांक 6/11/21 को जनपद बाराबंकी के सुबेहा थाना अंतर्गत भटगवा के रहने वाले शौकत अली, जो बाइक पे पीछे बैठे हुए थे और इनका एक साथी महेश बाइक चला रहा था, ये टेलरिंग का काम करते थे, अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे और रास्ते में दो बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों ने इन्हें पीछे से गोली मार दी। घायल होने के उपरांत इन्हें हैदरगढ़ CHC पे एडमिट कराया गया, जहां से इन्हें डॉक्टर्स ने रेफर कर दिया ट्रॉमा सेंटर लखनऊ, जहां उनकी मृत्यु हो गई है और तहरीर प्राप्त हो गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। रात का अंधेरा होने की वजह से महेश भी कातिलों को पहचान न सके। शौकत की मौत के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं परिवार का कहना है कि शौकत का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, लिहाजा ये वारदात किसने अंजाम दी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वहीं परिवार का ये भी कहना है कि एक ज़मीनी रंजिश उनकी ज़रूर चल रही है। वहीं परिवार का कहना है कि उनके बेटे का किसी एक शख्स के साथ रंजिश जरूर चल रही थी, लेकिन अब उसने इस वारदात को अंजाम दिया है या नहीं दिया इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह रिहायशी इलाके में कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। यह खबर हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने कवर की है।